मातृभाषा के सच्चे साधक, जिनके दोहे और सोटों में मध्यकालीन कवियों की तरह दर्शन और मानव स्वभाव का गुणाक्ष छिपा हो, ओज भरी कविताएं पृथ्वीराज राठौड़ और सुब्रमण्यम भारती की तरह हताश दिलों में शौर्य का संचारण करती हो, मुक्त छंद पद्य में आबद निराकार परम शक्ति और आध्यात्मिकता उन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर का समगोत्र कवि ठहराता हो, शोषित और किसानों के पक्ष में खड़े होकर हुक्मरानों से टक्कर लेने का मादा रीति शैली और डॉक्टर भूपेन हजारिका का स्मरण कराता हो, मातृभूमि की वंदना श्री बंकिम चंद चटर्जी और कवि प्रदीप की तरह लिखी गई हो, राजस्थान के सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव का सूक्ष्म मनमोहक चित्रण उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत के समकक्ष खड़ा करता हो, ऐसी बहुआयामी काव्य सर्जक श्री कन्यालाल सेठिया पर कुछ लिखना या बोलना दिवाकर को दिया दिखाने के समान ही दुष्कर है। सभी राजस्थानी प्रेमी जानते हैं कि उनका जन्म 11 सितंबर 1911 को बीकानेर रियासत के अधीन सुजानगढ़ में हुआ था। वणिक बाहुल्य यह क्षेत्र दौनपुर और सिल्क रूट यानी रेशम पथ के नाम से भी प्रसिद्ध था। दयालु और साहित्य प्रेमी माता मनोहरी देवी और पिता श्री छगनलाल जी सेठिया से प्राप्त साहित्य प्रेम और प्रेरणा के फलस्वरूप 8 वर्ष की अल्पायु में ही सेठिया जी काव्य साधना से जुड़ गए थे। सुजानगढ़ में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे अपने पिता के पास कोलकाता चले गए। यहीं से उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। मात्र 21 वर्ष में इनकी पहली काव्य कृति रमणियारा सोटा राजस्थानी में प्रकाशित हुई। इसके बाद हिंदी में उनकी प्रथम काव्य कृति बनफूल के प्रकाशन ने उन्हें प्रख्यात कवियों और पाठकों को प्रिय भाजन बना दिया। पर सेठिया जी ने अपनी दूसरी कृति अग्निवीणा में पराधीनता का दंश भोगते आम जनों और किसानों मजदूरों की व्यथा को अपनी निर्भीक कलम से उकेरा। प्रकाशित होती ये कृति अंग्रेज हुक्मरानों और सामंतशाही के पैरोकारों की आंख की किरकिरी बन गई। फिर क्या था, उन पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगा, उन्हें जेल जाना पड़ा। व्यवसायी संत परिवार के सेठिया जी को अंग्रेज हुक्मरानों का यह कदम उनके कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सका। एक के बाद एक हिंदी और राजस्थानी में उनकी काव्य कृतियां प्रकाशित होती रही। उर्दू में उनकी 2 काव्य कृतियां ताजमहल और गुलची प्रकाशित हुई। 6 दशकों से कोलकाता में निवास करने के बावजूद वे अपनी मातृभाषा और मातृभूमि के विकास के लिए अनथक प्रयत्न करते रहे। जब भी वे सुजानगढ़ आते, विभिन्न वर्गों के लोगों से सहज भाव से मिलते, नए साहित्यकारों को प्रेरणा देते, पत्रोत्तर देते और उपहार स्वरूप किताबें भिजवाते। आप सभी जानते हैं कि सेठिया जी की कालजयी रचनाएं पीथड़ और पाथड़ और धरती दुहरारी ने उन्हें राजस्थानी साहित्य के आकाश के सूरज के रूप में स्थापित कर दिया था। ये दोनों काव्य रचनाएं निमजर नामक कविता संकलन में शामिल है। निमजर में कुल 52 कविता हैं। इसमें उन्होंने राजस्थान के ऐतिहासिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव को अपनी कलम से जीवंत कर दिया है। इसी तरह अघोरी काल में उन्होंने राजस्थान में पड़ने वाले अकाल और उसकी बीबीसी का मर्म स्पष्ट चित्रण किया है। लिल्टास उनकी आध्यात्मिकता और सर्वोक जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने वाली काव्य कृति का नाम है। उनके जीवन काल में उनके काव्य स्थितियों का मराठी बंगाली कन्नड़ अंग्रेजी जर्मन भाषा में अनुवाद हो चुका था। उनके कृतित्व में 83 शोधार्थियों ने पीएचडी भी की है। साहित्य के बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त करने के बावजूद सेठिया जी का व्यक्तित्व एकांकी काव्य साधक का न होकर सर्वांगीण दृष्टिकोण से संपन्न कवि का था। तभी तो उन्होंने वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलकर माउंट आबू को गुजरात में मिलाने के बजाय राजस्थान में शामिल करवा कर ही दम लिया। सतीपता और सुवाचूत के विरुद्ध आवाज बुलंद की। हरिजनों के प्रति उनका हार्दिक स्नेह था। वे अपने घरेलू स्वच्छता कर्मी के बेटे की बारात में गए, अपने पुत्र की शादी में हरिजनों को न्योता दिया। अपनी मातृभाषा राजस्थानी को मान्यता दिलाने के लिए स्वयं सेठिया जी वृद्धावस्था में कई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सांसदों और मुख्यमंत्रियों से मिले। अपने खर्चे से स्टीकर छपवा कर लोगों को भेजे। मारड़ो हेलो में भी अपना दुख लिखते हैं। खाली धड़री कद हुए चेहरे बिना पहचान, मायड़ भाषा रे बिना क्यारो राजस्थान। इसी तरह राजस्थानी भाषा कविता में वे लिखते हैं, मेवाड़ी ढूंढाड़ी सागे हाड़ो तीन मरुवानी, सगड़ा सो रड़ बनी जकी बा भाषा राजस्थानी। राजस्थान व राजस्थानी के लिए अथा प्रेम होने के बावजूद उनके मन में हिंदी और अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं के प्रति विद्वेष नहीं था। यही चीज उन्हें वैश्विक कवि का दर्जा दिलाती है। अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार
सेठिया जी चाहते तो अपनी काव्य कृतियों को अंग्रेजी में अनुदित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त कर सकते थे, पर उनका ध्येय तो अपनी मातृभाषा के चहुमुखी विकास और मान्यता दिलाने का था। इसके लिए उन्होंने एक साधक की तरह निस्वार्थ भाव से राजस्थानी भाषा की सेवा की। उनके 101वें जन्मदिन पर उन्हें सत्सद वंदन। धन्यवाद। जय राजस्थानी।